तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियस रेशो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज का जो वीडियो का टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव है, कंट्रोवर्शियल है, बट ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। मैं बताता हूँ क्यों। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, आप लोग ट्रिगर हुए होंगे, क्यूरियोसिटी हुई होगी कि भाई ऐसी क्या बात कही है। लड़कियाँ देखी होंगी, लड़कियों को लगा होगा कि ये क्या वीडियो है। तो यार, इससे पहले जो जो ये वीडियो देखा है, इससे पहले कि आप लोग मुझे यू नो पेट्रियार्कियल, मिसोजिनिस्ट, यू नो एंटी फेमिनिस्ट, ये सारे टैग जोन, इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखो। ये देखो कि एक्चुअली मैं इस वीडियो में मेरा मैसेज क्या है, ठीक है? तो उसके बाद मैं आप लोगों का ओपिनियन चाहूंगा जो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो जनरली वेमेन सेफ्टी के ऊपर है। ये सोसाइटी में वेमेन सेफ्टी को कैसे लिया जाता है उसके ऊपर है। ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के फैमिली मेम्बर्स विमेन सेफ्टी को किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर है ये, ठीक है? तो ये मेरा वीडियोस हर उन माँ के लिए है, उन बेटी के लिए है, उस बहन के लिए है, उस गर्लफ्रेंड के लिए है और उस वाइफ के लिए है, ठीक है, जो कि अपनी फ्रीडम चाहती हैं, कभी भी बाहर निकलना बिना अपनी सेफ्टी के बारे में 10 बार सोचे हुए, चाहे वो रात के 11 बजे, चाहे वो रात के 2 बजे, चाहे कभी भी हो, ठीक है? मुझे पता है कि इतना सोचना पड़ता है। और मैं एक परमिशन लेना चाहूंगा हर उस पिता से, हर उस पति से, हर उस भाई से, हर उस दोस्त से, हर उस बॉयफ्रेंड से कि मुझे मौका दो कि मैं तुम्हारी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोगों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है? तो जनरली होता क्या है कि जब भी घर की कोई महिला, कोई भी लड़की कहीं कुछ भी बाहर जाना चाहती है, कोई एक्टिविटी करना चाहती है, तो हमेशा उसको लेके, नॉट हमेशा, कुछ कुछ फैमिलीज में, कुछ कुछ जगह पे स्पेसिफिकली लोकेशन के हिसाब से मना किया जाता है कि नहीं, इस टाइम पे मत निकलो, यहाँ लोग अच्छे नहीं है, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ घूमने मत जाओ, ठीक है? ये होता है, ठीक है? तो इसकी वजह से फैमिलीज में बहुत टकरार आती है, बिकॉज जनरली घर के जो मेम्बर्स होते हैं वो बोलते हैं अपने घर की महिलाओं को कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। एंड महिलाओं का कहना ये होता है कि नहीं भाई, हम भी इंसान हैं, हमारा भी एक फ्रीडम है, हमारा भी हक बनता है कि हम जो मर्जी चाहे करें, एंड ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो अब मैं उन सारी महिलाओं को बोलना चाहूंगा, बीइंग अ गाय, कि जब भी आपके, मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं किसी को कि किसी भी यू नो कि किसी को दबाया जा रहा है किसी चीज के लिए, यू नो घर पे बैठा के रखा जा रहा है, मैं उस चीज को नहीं सपोर्ट कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर इन दैट। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई भी मेल फिगर है, या इवन आपके घर कोई भी मेंबर है, अगर आप एक लड़की हो, अगर आप महिला हो, अगर आप कहीं जाना चाहते हो किसी भी ऑड टाइम में, या कुछ भी अलग करना चाहते हो, अगर आपको मना किया जा रहा है वो चीज़ करने के लिए, तो वो क्या सोच के मना किया जा रहा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अगर आप लोगों के मेल का पर्सपेक्टिव बताऊँ, या किसी भी फैमिली मेंबर का पर्सपेक्टिव बताऊँ, तो वो लोग यही कहते हैं कि इट इज़ नॉट सेफ आउट देयर, इट इज़ नॉट यू नो बहुत अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स से, अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं वीमेन के हिसाब से, जानते हो कितने तरह के क्राइम्स होते हैं आज के टाइम में। तो यार, आदमी लोग भी सेफ नहीं है, सब जानते हैं, लोग महिलाओं की बात तो अलग ही है, खैर। तो अब जब मैंने रिसेंटली एक एड भी देखा था, कोई वेब सीरीज का ट्रेलर था, जिसमें कि एक लड़की रात में जा रही होती है, कैब वाला उसको अटैक कर रहा होता है, तो एकदम से एक लड़का आता है, वो कुछ गन दिखाता है, कुछ करता है, वो कैब वाले को भगा देता है, एंड लड़का बोलता है उसको कि क्यों थी रात तो घूम रही हो, तो लड़की कहती है उससे क्या पूछ, मतलब लड़की घूम रही तो गलती है क्या? एंड जो कि सही बात है, लड़की घूम रही तो लड़की गलती नहीं है, है ना? कोई भी महिला घूम रही है रात में तो उसकी गलती नहीं है, गलती करने वाले की होती है एट एवरी कॉस्ट, एट एवरी केस, ठीक है? बट अब आप लोग को एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है ना, वो खुद एकदम से नहीं चाहते हैं कि आपको दबाना नहीं चाहते मोस्टली, बट जो लोग बोलते हैं, जो जनरली आप लोग की केयर करते हैं, जो तब भी बोलते हैं ना, उनके दिमाग में सोचो क्या चल रहा होता है, उनको पता है कि आपके, मतलब हमारे शहरों में, हमारे मतलब आसपास के इलाके, हमारी सोसाइटी में इंसान के नाम पे दरिंदे घूमते हैं, ठीक है, जो कि इंसान का क्या जानवर का दर्जा देने लायक भी नहीं है, तो वो लोग ऐसे घूम रहे हैं। एंड एज अ सोसाइटी डेफिनेटली किसी भी महिला के खिलाफ अगर कुछ भी क्राइम होता है तो वो महिला की गलती नहीं होती है, बट तब भी होता तो है। तो मैं आपको पर्सपेक्टिव ये देना चाहता हूँ कि आपके जो भी केयर करने वाले हैं वो जानते हैं कि यू नो उनको हमेशा डर सताया रहता है कि हाँ कल को कुछ भी ना हो जाए तो क्या करना होगा। एंड
इसके जो भी यू नो काउंटर पॉइंट होता है कि जो भी मतलब महिला कहती है कि इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है कि हम जा रहे हैं, करने वाले की गलती है। बट इसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम भी जानते हैं ये चीज़, जो जो कि जो भी मतलब हमारी सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं ना, जो कि जेन्युइनली केयर करते हैं अपने घर की माँ बहन बेटियों के लिए, किसी के लिए भी केयर करते हैं, हम भी जानते हैं ये चीज़ कि आप लोगों की गलती नहीं है इसमें। बट आप खुद सोचे ना, अगर आप एक इमेजिन करो, अगर आप एक जंगल में जा रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि जंगल में भूखा शेर भूखा जानवर है और उसका नेचर है वो चीज करना, तो क्या आप जबरदस्ती जाओगे ये बोलते हुए कि नहीं मेरा तो हक बनता है मैं तो जाऊंगी वहां पे? ठीक है, मैं मान बहुत सीरियस टॉपिक बोल रहा हूँ एंड प्लीज गलत वे मत लेना, पहले समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है ना जंगल में एक जानवर घूम रहा है जो कि आपको खाने के लिए कुछ भी करने के लिए अटैक करने के लिए उसका नेचर है, वो करेगा ही करेगा चाहे जो हो जाए। तो उसमें महिला हमेशा ये कहती है कि इसमें हमारी गलती थोड़ी ना, हम तो अपना हारा आके हम घूमेंगे। बट माय डियर, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, हर चीज हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। एज अ जेन्युइन पर्सन जो कि पूरी पूरी वुमेन राइट की कदर करता है, पूरा सपोर्ट करता है, ठीक है, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं मेरी हम लोग जैसे कोई भी जेन्युइन पर्सन, कोई केयरिंग पर्सन अगर बोलता है तो हमेशा बोलना ही चाहता, बट यार जो क्राइम हो रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है यार, समझ रहे हो? हमारे कंट्रोल में हर कोई नहीं है। हम आप लोग कहते हो ना कि नहीं क्राइम करने वाले को सुधारो, क्राइम करने वालों को बोलो, डेफिनेटली बोलना चाहिए, बट जो लोग बोलते हैं, जो लोग आप जेन्युइनली केयर करते हैं यार, उनके कंट्रोल में भी नहीं है जो लोग क्राइम करते हैं, समझ रहे हो? उनके कंट्रोल में वो अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि नहीं उस सिचुएशन को हर हालत में अवॉइड किया जाए। देखो यार, एज अ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी परफेक्ट नहीं, हमारी दुनिया परफेक्ट नहीं है, बहुत जालिम दुनिया है, तो एज अ सोसाइटी डेफिनेटली हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एकदम सेफ माहौल हो हर किसी के लिए, चाहे वो रात है, कोई भी और टाइम हो, चाहे कोई भी जगह हो। बट जब तक वो चीज़ नहीं है, तो मैं आपको पर्सपेक्टिव बताना चाहूँ, जब तक वो चीज़ नहीं है तब तक किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करने का ही बहुत सही तरीका होता है। अगर जंगल में शेर है, रात के 11 बजे मैं जबरदस्ती घुसने नहीं जाऊंगा कि भाई मेरा तो हक है, बिकॉज शेर मेरी नहीं सुनेगा, शेर खाएगा मेरे को, शेर अटैक करेगा मेरे को। तो उसी तरह से जो भी क्राइम करने वाले लोग होते हैं ना, जो जानवर से बदतर होते हैं, वो आपका रीजन, आपका लॉजिकल रीजन, आपका मॉरल रीजनिंग नहीं सुनेंगे, उनको जो क्राइम करना होगा वो करेंगे, समझ रहे हो? मेरा पॉइंट ये है कहना। तो एज अ सोसाइटी कंक्लूजन यही है कि एज अ सोसाइटी हमको सुधारने की जरूरत है बहुत, हमको कोर लेवल पे, कोर वैल्यूज पे सुधारने की जरूरत है, नेचर को सुधारने की जरूरत है, यू नो हम कैसे एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं उसमें सुधारने की जरूरत है, एकदम कोर से, एकदम शुरुआत के एजुकेशन से सुधारने की जरूरत है। खैर, जो होना चाहिए वो अलग चीज़ है, जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। तो यार मेरा यही पर्सपेक्टिव था, मैं एक पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा था उन सारी महिलाओं को कि अगर आपके घर में कोई भी बोलता है ऐसा, तो वो क्यों बोलता है, क्या सोच के बोलता है, क्योंकि यार हम लोग भी जानते हैं ये चीज़, बट हम लोग के भी कंट्रोल में नहीं है वो। अगर हम लोग के कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम लोग के लिए जो बेस्ट सिचुएशन होगी, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, हम उसी के लिए जाना चाहेंगे ना, हम हमेशा उस चीज़ को कॉशन में लेना चाहेंगे। तो यही था यार मेरा वीडियो, चाहे बुरा लगाओ चाहे अच्छा लगाओ, कोई भी कुछ भी लगाओ ना, मेरे को बताना जरूर, जेन्युइनली मेरे को बताना कैसा लगा ये वीडियो एंड मेरे किस मेरे इन पॉइंट से किस हद तक सहमत हो आप लोग। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था, मैंने 10-10 सोचे इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए, बिकॉज कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ कोई भी किसी भी एंगल से इस चीज़ को ले सकता है, बट यार मेरे मन में जेन्युइनली ये थॉट था कि मैं शेयर करना चाहता था इस चीज़ को, ठीक है। तो यार यही बात थी, मेरे को बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको, क्या ओपिनियन है आपको इस चीज़ को लेकर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय।